ये पहाड़ ये वादियाँ किसी का नहीं है यारो, बल्कि हम इनके हैं। आज दूसरा दिन है, सो मैं गुवाहाटी में रुक गया था। जिसने जिसने पार्ट वन नहीं दिखा है वो पार्ट वन देखिए जाके। आज गुवाहाटी में हूँ मैं, तो रुक गया था कल। तो आज 9:25 को ट्रेन है, तो 9:25 को निकलेंगे यहाँ से। उसके बाद आज रात में पहुँच जाएंगे शायद दार्जिलिंग, आज रात को पहुँच जाएंगे। तो मैं और मेरा एक भैया जाने वाले हैं साथ में, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। पार्ट वन भी देखो जाके और पार्ट टू भी देख लो, क्योंकि बहुत ही मस्त होने वाला है। तो सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुवाहाटी। तो गाइस हम लोग फिलहाल निकल चुके हैं रेडी सेडी होके। आगे जो देख रहे दोनों मेरे भैया है, सो वो लोग भी एक भैया छोड़ने के लिए आ रहे हैं और एक भैया मेरे साथ जाएंगे। तो मस्त आने वाला है आज। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ये जो हम जाने वाले हैं अभी, यहीं पे थोड़ा आगे मेरा सीट है, D2 31 नंबर। तो हम चल ही पड़े हमारी मंजिल की ओर। दूर से हम लोग आके पहुंच गए हैं NGV, तो NGV से ज़्यादा दूर नहीं है, तो पहुंच ही जाएंगे बहुत ही जल्द। पहुंच गए यहाँ से, एग्जिट होंगे थोड़ी देर बाद। उसके बाद शायद हम लोग सिलीगुड़ी में रहने वाले एक रात, तो वहाँ से कल निकलेंगे दार्जिलिंग के लिए। तो एक भैया आए लेने के लिए, तो वहाँ पे जाके रुकेंगे। कुछ ऐसा है न्यू जलपाईगुड़ी का जंक्शन का नज़ारा बाहर से, तो वेट कर रहे हैं। लगभग आधा घंटा जैसा हो गया है, तो भैया आने वाले, तो भैया के साथ चले जाएंगे उसके बाद भैया के रूम पे। तो कल सुबह दार्जिलिंग के लिए निकलेंगे। हालांकि यहीं से मिल जाएगा आप लोगों को दार्जिलिंग का बस, गवर्नमेंट बस भी मिल जाएगा और आप रिजर्व भी करके जा सकते हैं यहीं से। फिलहाल भैया आ चुके हैं, उसके बाद भैया के साथ हम लोग जा रहे हैं रूम की तरफ। तो रूम पर रहेंगे एक रात, तो कल सुबह ही निकलेंगे भैया लोगों के साथ। हाँ मत जानी छी सकाल वाला थे के दुपुर फोन तो हमें खान छ एक बार फोन करे छी क्यों फोन करे नहीं। तो गाइस काफ़ी दूर से आए हम लोग, तो बहुत ही थकान लग रहा है। तो फ्रेश होके अभी खाना साना खा के सो जाएंगे, तो कल सुबह निकलेंगे। तो बहुत ही थकान लग चुका है, तो यही रहा हम लोग का रूम जो भैया लेके आए थे। तो हम लोग सिलीगुड़ी से और भी दूर है, शिव मंदिर साइड में। सो कल निकलेंगे दार्जिलिंग के लिए, तो सब लोग साथ में निकलेंगे। तो कल सुबह मिलते हैं। 8 hours later। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिलीगुड़ी। तो मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, तो यहाँ से सीधा दार्जिलिंग चलेंगे। बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ से सीधा हम लोग दार्जिलिंग जाएंगे। आप अगर आपको अगर जाने का मन है तो NGV से जा सकते थे, तो मैं सिलीगुड़ी में थोड़ा रहने के लिए आया था, तो यहाँ पे रह गया एक रात। तो यहाँ से अभी निकलूँगा दार्जिलिंग के लिए, तो वीडियो काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए चलते हैं। बैग से हम लोग का यहाँ पे बैग देख सकते हैं, तो यह रहा हम लोग का रूम। तो अभी हम लोग इसको छोड़ के निकलेंगे। तो इधर रुकी बोले कोई सीरिंग सुभाष তাকে দিয়ে দিয়েছে ওষুধটি তোমার রজতে না না
ये पहाड़ ये वादियाँ किसी का नहीं है यारो, बल्कि हम इनके हैं। जीते जी लगता है कि हमने इन्हें खरीद लिया है, लेकिन मौत के बाद हम इनमें मिल जाते हैं। ये पहाड़ सदियों से जिंदा है, जिंदा रहेंगे चाहे हम रहे या ना रहे, ये पहाड़ हमेशा रहेंगे। तो गाइस ये रहा घूम का स्टेशन। तो घूम पहुंच गए हम लोग अभी, और यहाँ से 7 किलोमीटर है दार्जिलिंग जो टाउन हम लोग जा रहे हैं। तो फाइनली गाइस वी आर इन द दार्जिलिंग टाउन। सच्ची गाइस बहुत ही भूख लग रहा है मुझे, तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, वैसे ही रूम से निकल गया था भैया के रूम से। तो अभी यहाँ पे कुछ खाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कुछ एक रेस्टोरेंट में जाके कुछ ऑर्डर करते हैं, चलिए। तो उसके बाद खाते हैं, उसके बाद आप लोगों को घुमाऊंगा मैं। तो भैया यहाँ पे क्या क्या बोल दीजिए तो आप। एटा हलो चिकन सप्ता, चिकन सप्ता। ये एटा हलो चिकन सूप, ये चिकन सूप। और एटा हलो टिंग मोमो, टिंग मोमो। तो ये खाने वाले हम लोग, तो चलिए बहुत ही भूख लगा है, खा लेते। हम लोगों ने एक रूम लिया था, तो यहाँ रूम से रूम पे सामान रख के हम लोग दार्जिलिंग की तरफ जा रहे हैं भैया के साथ। भैया कुछ बोलना चाहेंगे, कैसा लगा दार्जिलिंग आपको आके? सही लग रहा है अभी तक, मस्त लग रहा है ना। हाँ। ऐसा ही ऐसा पहाड़ इलाका है ना, तो हाँ पहाड़ इलाका है ना, तो ऐसे अप एंड डाउन ही रहता है रास्ते। क्या मजाक कर देते यार भैया, अभी ठंडा नहीं लग रहा है, ठंडा ठंडा फीलिंग हो रहा है, ठंडा ठंडा फीलिंग ही हो रहा है भैया को से। दार्जिलिंग का मेन मार्केट जो है यही है, तो इधर में थोड़ा पहले भी दिखाया था आप लोगों को। सो इधर में कपड़ा गली है, तो कुछ देखते हैं। ये रहा एटीएम, वहाँ पे देखिए साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है, मिल ही गया आखिर, साला इतना टाइम से ढूंढ रहे थे हम लोग। भैया को थोड़ा मनी का ज़रूरत है, इसलिए भैया मनी निकालने वाले। हम लोग सोचे थे रास्ता एटीएम जाता है, तो इधर में ये बिल्डिंग में जो एटीएम है नहीं दिखाई दे रहा है, सीढ़ी की दर है, मतलब ढूंढ नहीं पा रहे हम लोग। तो एक दीदी ने बोली कि इस तरफ में है बोल के, गलत रास्ते जा रहे थे हम लोग। एटीएम, तो भैया मैं यहीं पे रुकता हूँ, भैया एटीएम से पैसा निकालेंगे। तो काफ़ी मस्ती आ रहा है दार्जिलिंग घूमने के लिए, पैसा नहीं हाथ में तभी बिना पैसा का घूम रहा हूँ। काश अगर पैसा होता तो मैं भी अभी खरीदता था कपड़ा, तो खरीदने का मन है लेकिन पैसा नहीं यार। जल्दी सब्सक्राइब करा दो यार, तभी तो खरीदूँगा यार जल्दी। खुरपी बोलता है इसको, ये शायद दूध या कुछ से, दूध या दही कुछ से बनाता है, मतलब पता नहीं इतना फिक्स मुझे, तो दूध से ही बनाता होगा शायद। तो यही खुरपी खा रहा हो तो मुंह कितना फूल रहा है देखिए। आप लोग सोच रहे होंगे केपी खा के बात कर रहा हो, केपी नहीं खाता हो यार, ऐसा मत सोचिएगा भाई। ठीक है, अभी भी शाम का समय हो चुका है, तो अभी भी ठंडी लग रहा है यार, शाम के समय में शायद और भी ठंड लगेगा। हम लोगों ने रूम तो ले लिया है।
भैया बहुत टाइम लगा रहे, पैसा नहीं निकल रहा है। ओ भैया ने शायद 4-5 हज़ार रुपये कुछ निकाल लिया भैया ने पैसा। पार्टी देंगे शायद भैया, आज काम भी होने वाला है इसलिए हम लोग अभी जाके कुछ खरीदेंगे, कुछ अच्छा लगेगा तो कुछ खरीदेंगे, अगर अच्छा नहीं लगा तो कुछ नहीं खरीदेंगे। तो मस्ती लग रहा है मुझे इधर तो जा रहे हैं। फिर जो रास्ते से आए थे हम थोड़े पहले, तो रास्ता जा रहे हैं हम लोग। भैया 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 एकदम उस्ताद की तरह आगे आगे जा रहे हैं, जैसे कि लोकल आदमी हो यहाँ का। तो रास्ता भी भूल गए हम लोग, इस तरफ से आए थे तो फिर से ढूंढ के जा रहे हैं रास्ता में। वो दार्जिलिंग लिखा वाला नहीं है, दार्जिलिंग में इसमें नहीं है, आएगा आपको इसका दूसरा कलर नहीं है, इसका दूसरा कलर ये है ना, ना यही है, ये कलर है, इसमें ये कलर है, आपका कलर इसमें लाल भी दे देंगे, इसमें रेड वाला है दिखाओ। तो गाइस ये लेंगे एक, कितना बोला है आपने? 100 रुपये। ठीक है, एक दीजिए और बोलिए। इसके बाद आपके लिए, मेरे लिए नहीं चाहिए, ले लीजिए, सबसे अच्छा कलर है, देखिए इतना सॉफ्ट। ये कम रखो, कम रखो, ये थोड़ा सा 120 रखो, हो गया। तो ये और ले रहा है तो टोटल 220 दो ही लेगा होगा। चलो भैया भी अच्छे थे, 220 में दे दिए दोनों भी। सो एक मम्मी के लिए और एक बहन के लिए ले लिया हूँ मैंने, तो पैसा निकाल रहा हूँ मैं, पैसा देना पड़ेगा। ये हम पे तो अभी गर्मी हो रहा है तो यहाँ पे तो ठंड है, इसलिए मैंने सोच के टोपी ले दिया, तो गर्म में तो लगा नहीं पाएंगा मम्मी और बहन, तो नेक्स्ट विंटर को ही लगा पाएंगे मम्मी और बहन। तो ऊपर की तरफ चलते हैं भैया और बहन, तो चलिए भैया। पैसा पास ये वाला मत, बहुत सामान है यहाँ पे खरीदने के लिए लेकिन अफोर्ड कर नहीं पाऊँगा, तो इसीलिए इसे घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ प्लेस, सामान लेके घूम रहा हूँ। पहले भी इधर से गए थे शायद भैया ना, पहले भी इधर से गए थे, इधर से ऐसे गए थे, अभी इस तरफ जाएंगे घूम के देखेंगे। इस भैया को नेपाली खाना खाना है तो यहाँ पे तो नहीं मिलेगा नेपाली खाना, तो शायद इस तरफ में बताए थे वो भैया, नेपाली किचन बोल के कुछ है, और इस तरफ से जाना पड़ेगा हम लोगों को। हम लोग ने खाए थे, क्या क्या खाए थे पता नहीं, लेकिन अभी ऐसा भूख लग रहा है जो याद ही नहीं आ रहा था, तो भैया बोले थे तो इसीलिए भूख लग रहा है अभी ज़्यादा से। थाली दुईटा कति 220 कर ल दुईटा दिन ल पर्दैन हुन्छ पर्क दे दीजिए। सो पर्क खाएंगे हम लोग अभी मैं और भैया, पर्क थाली ऑर्डर किया हम लोगों ने। भूख लगी से, कितना लगा है भूख आपको? 100% लग रहा है यार। जल्दी आजा, जल्दी जल्दी। तो गाइस यहाँ पे हम लोग का पोर्क थाली रेडी है, तो भैया और मैं अभी खाएंगे इसी को, बहुत भूख लगा है, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे हम लोग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस खाना साना खा के एकदम पेट फुल हो गया है, अभी रूम में जाएंगे, उसके बाद रूम में जाके रिलैक्स हो जाएंगे। ये बाजार अभी भी भीड़ है, पहले भी भीड़ था। फिर से हम दोनों यहाँ पे रास्ता भटकते हुए, इतना गली गली है, सेम सेम लगता है, तो इसलिए रास्ता भटक गए हम लोग भी, तो फिर से ढूंढना पड़ेगा किस तरफ में था बोल के। फाइनली मिल चुका है, यहाँ पे था तो हम उस तरफ में थे हम लोग।
ये रहा हम लोग का रूम। तो ये रूम हम लोगों ने रेंट में लिया है यहाँ पे दार्जिलिंग पे। तो काफी बड़ा मिरर है इधर पे। सो ये रहा मैं और भैया। तो रूम का डेकोरेशन भी काफी अच्छा लगा मुझे यहाँ का। तो थोड़ा स्टैंडर्ड ही है रूम। तो यहीं पे एक रात हम लोग सोएंगे, उसके बाद कल सुबह निकलेंगे यहाँ से। आशा करता हूँ गाइस आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहीं तक रहा मेरा पार्ट टू। तो पार्ट थ्री में मैं शायद घूम वाली जगह पे जाने वाला हूँ। तो कल सुबह निकलेंगे। तो पार्ट थ्री भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो देखते रहिए, तो मज़े से रहिए। तो हम लोग आज सोने वाले, तो कल सुबह मिलते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट सभी को।